बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मध्य प्रदेश में लोग माफी को लेकर फिर सियासत गरमाई। शिवराज ने कहा कांग्रेस की सूची है फर्जी। मध्य प्रदेश में ऋण माफी को लेकर फिर सियासत गरमाई है। गुरुवार फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और कहा कि मेरे भाइयों ने ऋण माफी के लिए आवेदन दिया है और उनका ऋण माफी कर दिया। उन्होंने कांग्रेस की सूची को फर्जी बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चौहान ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस की सूची पर सवाल उठाए हैं। चौहान ने कहा कि मेरे भाइयों का कर्ज माफ कर दिया गया है, जबकि दस्तावेज की सूची में साफ लिखा गया है कि कोई आवेदन इन्होंने नहीं किया है। शिवराज ने कर्ज माफी की सूची पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि हमारे कई भाई जो इनकम टैक्स पे ही है, बावजूद इसके ऐसे लोगों के नाम भी किसान ऋण माफी योजना में शामिल किए गए हैं। शिवराज ने पूछा कि आखिर मेरे भाइयों पर इतनी कृपा क्यों? यह एक उदाहरण है कांग्रेस के झूठ का। सिर्फ मंत्रालय में बैठकर कह देने से कर्ज माफ कर दिया गया है। शिवराज ने पूछा कि आखिर ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को सपने में भी मैं नजर आ रहा हूं। मैं सवाल उठाता हूं तो मुझ पर गुस्सा होते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया गया है, वो अपने वचन से मुकर गए हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अल्पकालीन फसल ऋण का 2 लाख रुपए तक का किसानों की कर्ज माफी का आवेदन पारित किया, जबकि वचन पत्र में हर तरफ की फसल ऋण माफी की बात कही गई है। सोपोर में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इस्लामिक स्टेट आतंकी को मार गिराया। कश्मीर में 3 साल से सक्रिय इस्लामिक स्टेट के आतंकी कमांडर इसफाक अहमद सोफी उर्फ अब्दुल्ला भाई को सोपोर में सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक 2015 में हरकतुल मुजाहिदीन में शामिल होने वाले सोपोर के अब्दुल्ला भाई ने 2016 में इस्लामिक स्टेट जम्मू कश्मीर का दामन थाम लिया था। इसके बाद उसे जम्मू कश्मीर में इस्लामिक स्टेट का कमांडर बना दिया गया था। अधिकारी दावा करते थे कि अब्दुल्ला इस्लामिक स्टेट का कश्मीर में बचा हुआ आतंकी था। इसके साथ ही उन्होंने कश्मीर में इस्लामिक स्टेट के खात्मे का दावा किया था। रोचक बात यह है कि पिछले साल भी इस्लामिक स्टेट के 2 आतंकियों को मार गिराने तथा 4 को गिरफ्तार करने के बाद भी ऐसा ही दावा किया गया था। अब्दुल्ला को मोस्ट वांटेड आतंकी जाकिर मुसा का भी करीबी बताया जा रहा है। बिहार समान काम समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। तकरीबन 4 लाख नियोजित शिक्षक होंगे प्रभावित। बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट 10 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस केस की सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को हक में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट नंबर 6 में जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस अभय ललित इस मामले में फैसला सुना सकते हैं। पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार को निर्देश दिया था कि वो शिक्षकों को समान वेतन दे, जिसके बाद राज्य सरकार ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2019 के अक्टूबर में इस पर फैसला सुरक्षित रख दिया है। जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस उदय उमेश ललित की खंडपीठ में इस मामले की अंतिम सुनवाई की थी। इस मामले पर तकरीबन 7 महीने बाद फैसला आने वाला है। इस फैसले से बिहार के तकरीबन 4 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।